डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। बीच में एक दिन ऑफ हो गया था जिसकी वजह से हम एक दिन डिले चल रहे हैं। बाकी मैं कल तक आपके पास 9th और 10th एंड 11th तक की सब कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है? तो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी परसों से अपना ज़्यादा शेड्यूल है वैसे ही रहेगा। फाइन, चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? तो गाइस अभी की है इस जो एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी का जो काम है वो क्या काम करती है, ये जो NICDP है उसकी एक्टिविटीज़ को पीरियोडिकली रिव्यू करती है। मतलब कि जो भी इसका काम है उसको पीरियड कितने टाइम बाद उसको रिव्यू करना है वो काम करती है, ठीक है? अभी NICDP है क्या, नाम से समझो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसका एम यही कि हमें क्या करना है, अपनी जो भी न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उसको एज अ स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करना है और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज उन सिटीज़ में लेके आनी है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या करता है, इंडिया वेरियस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, ठीक है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मेनली वो हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स होंगे जो आपको फास्ट मोबिलिटी देंगे। मतलब आप इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपवर आएगी, ठीक है? जिससे अपनी सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी, ठीक है? इसके अलावा जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप कर रही है जिसके अंदर 32 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अंडर द PM गति शक्ति, ठीक है? अभी NCDC जो लिमिटेड है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, किसके अंडर है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। इसके अंदर नीति है और कुछ और प्रोजेक्ट्स को मैप करेगा जैसे इंडस्ट्रियल फ्रीट एंड डिफेंस कॉरिडोर हो गया, PM मित्र पार्क्स हो गया, मेडिकल फार्म एंड लॉजिस्टिक पार्क, सो दैट इन सबको अंडर लेके आएगा BM गति शक्ति के अंदर, ठीक है? इसके अलावा BM गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। कई बार डिस्कस किया किस तरह से मल्टी मॉडल का मतलब क्या कि थ्रू एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को किस तरह से इंटीग्रेटेड प्लान करना है और उनको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? इससे अलावा हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और लोगों का जो ट्रेवल टाइम उसको भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है? अब आप देख सकते हो PM गति शक्ति के 6 पिलर्स हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एक है प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल डायनेमिक, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या होगा, एक सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, सभी जो भी एग्जिस्टिंग जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं उन सबके लिए एक सेंट्रलाइज पोर्टल होगा। प्रायोरिटाइजेशन में क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन होगी डिफरेंट सेक्टर्स में, डिपार्टमेंट्स में, कि हमने कौन से प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज पे काम करना है। ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है, हम देखेंगे जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें क्या क्या कमी आ रही है, क्या क्या गैप्स आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उनको एड्रेस करेंगे बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन रूट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। मतलब कहाँ पे कौन सी जगह पे आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चलाओगे सो दैट वहाँ पे हम कॉस्ट और टाइम दोनों को सेव कर सकते हैं, ठीक है? सिंक्रोनाइजेशन क्या करेंगे, इसमें हम वर्क को कोऑर्डिनेट करके करेंगे बिटवीन ईच डिपार्टमेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। एनालिटिकल क्या, एंटायर डाटा को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे विद द GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग, ठीक है? डायनेमिक क्या करेंगे, जो भी ऑन ग्राउंड क्या प्रोग्रेस चल रही है पीरियोडिकली उसको सैटेलाइट इमेजेस से वो करेंगे, ठीक है, और उसको अपडेट करते रहेंगे ऑन रेगुलर बेसिस ऑन पोर्टल। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया गेट सेलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है अनटच्ड कल्चर में कवर होगी, ठीक है? अभी हम सबसे पहले समझते हैं इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज क्या होता है। तो गाइस इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल वो चीज़ होती है जो आप देख सकते हो, जैसे फोर्ट हो गया, मॉन्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो। लेकिन इनटेंजिबल क्या होता है, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कुंभ हो गया, जिसको आप छू मतलब ऐसे नहीं करते, जो एक प्रैक्टिस होती है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, इनके अंदर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्सप्रेशन होती है, नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, या इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स या कल्चरल स्पीसीज है विच इज एसोसिएटेड विद दैम दैट कम्युनिटीज ग्रुप्स और इंडिविजुअल, जिसको हमारे कल्चर हेरिटेज का एक पार्ट रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इंडिया में ऐसे 14 एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर दुर्गा पूजा भी है, 2021 में ऐड किया था, कुंभ मेला को 2017 में ऐड किया हुआ है, योगा को 2016 में ऐड किया था और सबसे लेटेस्ट वही है, ठीक है? अब आप जरा हम देखते हैं, इस कमेटी के अंदर 24 मेंबर्स हैं और इनको इलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन, ठीक है? इंडिया को इलेक्ट किया गया थर्ड टाइम फॉर 2022 से 2026 की साइकिल के लिए। इससे पहले भी इंडिया को इलेक्ट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 2021 से 25 तक पीरियड के लिए। इस कमेटी के कोर फंक्शंस किए हैं, इसकी कन्वेंशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है और किस तरह से इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर जो भी साइट्स उनको आप किस तरह से सेफ गार्ड कर सकते हो
उनको रिकमेंड करती है। इसके अलावा सभी जो रिक्वेस्ट आई हुई हैं, ठीक है, कि किस तरह फॉर इंस्क्रिप्शन इंटेंजिबल हेरिटेज उसको एग्जामिन करती हैं। कमेटी इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ ग्रांटिंग इंटरनेशनल असिस्टेंट। अब यूनेस्को का जो 2003 का कन्वेंशन था फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ आईसीच है क्या, इसका एम ये कि हमारे जो ट्रेडिशन या के साथ जो भी इंटेंजिबल हेरिटेज जुड़ा हुआ उसको सेफ गार्ड रखना है, क्योंकि लोग मॉडर्न हो ही जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को भूल ही जा रहे हैं। इसके चार प्राइमरी गोल्स हैं कि सबसे पहले उनको सेफ गार्ड करना है, रिस्पेक्ट इंश्योर रखनी है, लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और इंटरनेशनल भी हमें कोऑपरेशन और असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो भी आए अपने, ठीक है। 2003 कन्वेंशन में हमने इसको 5 ब्रॉड डोमेन्स में क्लासीफाई किया था। एक तो ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल एंड फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स, और फिफ्थ है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस द स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि महोत्सव। तो गाइस ये जो न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी, क्योंकि देखो पीएम स्वनिधि योजना हमने पहले पढ़ी होगी, स्वनिधि योजना है क्या, 2020 में लॉन्च आई हुई थी जब वो था कोविड चल रहा था। इसके अंदर यही था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, क्योंकि उनका काम बिल्कुल ठप हो गया था, ठीक है, जो गली मोहल्लों में रेडियां लगाते हैं, तो उनको हम लोन प्रोवाइड कर रहे थे 10,000 रुपये तक का, सो दैट वो रीस्टार्ट कर सके अपने बिजनेस जो कि कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ था। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये इसके अंदर हमने क्या किया था, पहली बार ऐसा था कि किसी में हमने स्ट्रीट वेंडर्स को भी इंक्लूड किया था। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी, इसको जो इंप्लीमेंट कर रही थी वो थी सिडबी, दैट इज द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी क्या, जो स्वनिधि महोत्सव कोई कल्चर फेस्टिवल है जिसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि इसका सक्सेस माना गया था स्कीम का, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, स्ट्रीट वेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया था टुवार्ड्स द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसमें, क्या आएगा, क्योंकि आप 10,000 का लोन लिया आपने, तो आप इसको रीपे कर सकते हो इनटू द मंथली इंस्टॉलमेंट इन द टेनर ऑफ 1 ईयर। एक साल बाद मंथली आप कुछ कुछ करके 500-1,000 रुपये देकर आप वापस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले रीपे कर देते हो तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी 7% तक की, मतलब जो अगर आपको जितने परसेंट पे भी टैक्स वो लगा है आपको, तो उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 7% की, ठीक है। मंथली कैशबैक इंसेंटिव भी है इसमें, नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। अब इसमें अचीवमेंट क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग माइक्रो क्रेडिट स्कीम देखने को मिला है, 36.6 लाख करोड़ इसके अंदर सैंक्शन किए गए हैं, 30 लाख से भी न्यू वेंडर्स को भी रिकॉग्निशन मिला थ्रू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। हाईवर इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, देखो हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों, और इश्यूज़ तो हमें चाहेंगे। 12% जो लोन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो अभी तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं, बिकॉज वो लोग अभी तक वापस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिसबर्समेंट रेशो, मतलब जो भी लोन्स आपने बांटे हैं तो कहीं जो इन एरियाज में एक्चुअल में जाना चाहिए वहाँ नहीं गया ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। डिस्पैरिटी है, मतलब कुछ स्टेट्स ने इसका फायदा जल्दी उठा लिया, कई स्टेट्स ने अभी तक नहीं उठाया। ओनली जो 40% स्ट्रीट वेंडर रीपेड वर्किंग कैपिटल है, वही मतलब कि अभी तक जितनी भी कैपिटल हमने दी थी लोन पे उसमें से 40% ही वापस आई है, ठीक है। वे अहेड के हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें कैंप सेटअप करने होंगे टू प्रोवाइड वेंडर सर्टिफिकेट्स एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसके अलावा हमें क्या करना है, बैंकिंग पर्सनल को सेंसिटाइजेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इशू गाइडलाइंस ऑन मिशन वत्सल्य स्कीम, ठीक है। अब देखिए मिशन वत्सल्य है कि अम्ब्रेला स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कई बार डिस्कस किया सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या, सेंट्रल स्कीम जो 100% फंड होते हैं सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जो कुछ परसेंटेज जो फंड करती है स्टेट भी, ठीक है। इसमें क्या है, ये मेनली चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज क्या है कंट्री में, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, हर एक बच्चे को हम इंश्योर कर सके हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड, उसका बचपन, ठीक है, वो अपनी जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है उसको पूरा यूटिलाइज कर सके, उसको उस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। कभी कभी बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन उनके पास वो नहीं होता, मतलब कि साधन नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से वो लोग उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो हमें ऐसा नहीं करना। वी हैव टू इंश्योर अपॉर्चुनिटीज़ टू इनेबल देम टू डिस्कवर देयर फुल पोटेंशियल, हमें उनको असिस्ट करना है इन फ्लरिशिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स इन अ सस्टेन्ड मैनर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस इशू हुई है हम सब देख सकते हैं, स्कीम की बैकग्राउंड क्या है। इससे पहले 2009-10 में 3 स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। एक था प्रोग्राम फॉर जुवेनाइल जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, दूसरा था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, और तीसरा था स्कीम फॉर असिस्टेंस टू होम फॉर चिल्ड्रन। नाम से समझ में आ रहा होगा सब, 2009-10 से कह गए इन 3 स्कीम्स को एक स्कीम के अंडर ला दिया गया, दैट इज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम को रीनेम कर दिया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम 2017 में, और फिर इस स्कीम को सबसम कर दिया गया अंडर मिशन वत्सल्य 2021-22 से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे आया,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या गाइडलाइन इशू की गई है, इसके अंदर ये कि हमें क्या करना है, जो भी सेंट्रल फंड्स या बेनिफिट्स आते हैं अंदर द स्कीम, तो उसको स्टेट्स विल हैव टू रिटेन द ऑफिशियल नेम एज गिवन बाय द सेंटर, ओनली जो करेक्ट ट्रांसलेशन है टू लोकल लैंग्वेज इज परमिसिबल, ठीक है। जो भी फंड स्टेट को मिलते हैं वो भी अप्रूव्ड होंगे थ्रू द मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, ठीक है। स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, कोई कमेटी बनाएगा जो क्या करेगा, ये देखेगा कि भी जो भी पर्टिकुलर स्टेट उस स्कीम को कितने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसको मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी होगी। इसके अंदर क्या होएगा, जो भी मिशन वत्सल्य के अंदर हम स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज को सपोर्ट करेंगे, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को सपोर्ट करेगी इन प्रोमोटिंग इन कंट्री अडॉप्शन एंड रेगुलेटिंग द इंटर कंट्री अडॉप्शन। स्टेट गवर्नमेंट्स को हर एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को ग्रेड करना है फिक्स इंटरवल्स, मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टेट में कैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कितने हैं, तो उनको भी देखना कि वहाँ पर प्रॉपर सुविधा दी जा रही है नहीं जा रही, पता चले उस इंस्टीट्यूशन में बच्चों को और बुरा हाल किया जा रहा हो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पार्टनरशिप करी है विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर 24/7 हेल्पलाइन होगी सर्विस फॉर चिल्ड्रन, जो डिफाइंड है अंदर द जुबिली जस्टिस एक्ट 2015। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे पता होगा जुबिली जस्टिस एक्ट के अंदर चाइल्ड की परिभाषा क्या है, मतलब कौन सी उम्र के बच्चों को चाइल्ड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाँ, यूनियन होम मिनिस्टर अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुचार्य इन श्रीनगर लोकेटेड इन अ टेंपल इन द सोमवार रीजन। तो गाइस इस भी न्यूज आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने 216 फीट का टोल स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्वामी रामानुचार्य को हैदराबाद में क्या किया था, अनवील किया था। अब हम जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन थे। इनको रामानुजाचार्य बोलते हैं, ग्रेट थिंकर बोला जाता है, फिलोसफर बोला जाता है, सोशल रिफॉर्मर बोला जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ श्री वैष्णव ट्रेडिशन के बोला जाता है। तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11th सेंचुरी में। कॉन्ट्रीब्यूशन किया था इन्होंने, डॉक्ट्राइन ऑफ विश्वद्वैता दिए थे और क्वालिफाइड पार्टनर, भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया था, ठीक है, कि किस तरह से, और इन्होंने जो भी पोइट्स हैं उनसे जो इंस्पिरेशन ली थी, जैसे अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई, ठीक है। इन्होंने 9 स्क्रिप्चर लिखे थे जिनको नवरत्न बोलते हैं, इंक्लूडिंग श्री भाषिया, गीता भाषिया, वेदार्थ भाषिया, और कुछ वैदिक स्क्रिप्चर्स पे भी लिखा था, ठीक है। इन्होंने ये बताया था किस तरह से हमें जो हम अपने मंदिरों में रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उनका क्या करेक्ट प्रोसीजर होता है, उसको भी एस्टेब्लिश किया था, और सबसे ज़्यादा तिरुमल और श्रीरंगम में वो एस्टेब्लिश है। इसके अलावा इगैलिटेरियन सोसाइटी के एडवोकेट थे, मतलब कि हमें मतलब इक्वल ट्रीट करना चाहिए सबको, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, चाहते थे सब लोग एंट्री करें टेंपल में इक्वली, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ही इज बिलीव टू बी द फर्स्ट हिंदू आचार्य जिन्होंने वुमेन इनिशिएट किया था इनटू द संन्यास, ठीक है। नोट, ये स्टैचू ऑफ पीस जो कि पीएम ने अभी राजस्थान में किया उससे डिफरेंट है, ठीक है। ऑल्सो एक स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल को है, वो भी है, ठीक है। तो अब भाई अलग अलग स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये भी तो ये अलग अलग है, तो इसको जरा मतलब कंफ्यूज नहीं होना, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूएन। तो अभी क्या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2020 है, ये ओनली यूएन ऑफिशियल रिपोर्ट है जो ये देखती है कि 2030 तक जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है, और उसका लेटेस्ट डाटा और एस्टिमेट बताती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग COVID-19 की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर डिफरेंट कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना बहुत ज़्यादा डेंजर में चले गए हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद ह्यूमैनिटीज सर्वाइवल। की फाइंडिंग किया है, कोविड की वजह से 93 मिलियन लोग और ज़्यादा पावर्टी में चले गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अभी हमें 4 साल और लग जाएंगे पावर्टी को एलिवेट करने में। इसके अलावा हमारी ग्लोबल हेल्थ केयर सर्विसेज और एजुकेशन दोनों इफेक्ट पड़ी हैं, 22.7 मिलियन चिल्ड्रन का जो बेसिक वैक्सीन था वो भी मिस कर चुके हैं। कन्फ्लिक्ट, कोविड, क्लाइमेट चेंज, गोइंग इनइक्वालिटी, इसकी वजह से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भी हार्म हुई है। अब हर 10 में से एक बंदा वर्ल्ड वाइड वो सफ़र कर रहे हैं हंगर से, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़े हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट है वो कॉन्टिन्यू श्रिंक हो रहा है ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, ठीक है। यूक्रेन में वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला है, ठीक है। मोर देन 6 मिलियन पीपल रेफ्यूज, मतलब कि एक दूसरे कंट्री में चले गए हैं टिल मई 2022। रिकमेंडेशन किया, आगे आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो, सबसे पहले हमें जो कन्फ्लिक्ट होते हैं सबसे पहले तो उसको पूरा करो, ठीक है, मतलब ख़त्म करो। अब देखो नेचर ने जो आना है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो मैन मेड है उसको तो रोको, ठीक है। डिप्लोमेसी और पीस से काम करो, ठीक है। अडॉप्ट लो कार्बन रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पाथवेज,
ठीक है। अभी 2030 एजेंडा था क्या सस्टेनेबल, ये सभी यूएन मेंबर स्टेट ने अडॉप्ट किया था 2015 में, जिसके अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिखे गए थे, जैसे किस तरह से हम पावर्टी एंड करेंगे, पीस बढ़ाएंगे, ठीक है, सेफगार्ड द राइट्स एंड डिग्निटी, इन सबको मिला के 17 लिखे गए थे कि 2030 तक पूरे करेंगे और अब पर कुछ नहीं हो रहा है। फाइन, अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़। सबसे पहले राज्यसभा नॉमिनेटेड एमपीज, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए 4 न्यू एंट्रेंट टू राज्यसभा, कहाँ कहाँ से, वो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से। आर्टिकल 80 के अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा की कॉम्पोजिशन डिस्क्राइब होती है। 245 मेंबर्स के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा और 233 को दे आर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स, और इनको मतलब कि स्टेट्स के MLAs के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 80 क्लोज थी 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इन मैटर्स लाइक लिटरेचर, साइंस और, ठीक है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हो तो आपको पता होगा जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है वो इवन 6 मंथ्स बाद पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो MPs होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के MLAs के द्वारा चुने जाते हैं थ्रू एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, ये पता होगा आपको। नेक्स्ट है शेरपा, अभी के जो नीति आयोग के जो CEO है पुराने अमिताभ कांत, उनको पिकअप किया है एज अ इंडिया का न्यू शेरपा फॉर G20। अभी शेरपा क्या, ये क्या है, इसको प्रोनाउंस मैं गलत कर रही हूँ कि मे बी, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द लीडर ऑफ अ मेंबर कंट्री एंड इंटरनेशनल समिट मीटिंग जैसे G8, G20, न्यूक्लियर, मतलब कि अगर इस तरह की कोई मीटिंग्स होंगी तो उसमें ही रिप्रेजेंट जो करेगा वो ये करेंगे अमिताभ कांत। ये टर्म डिवाइड होती है फ्रॉम द नेपाली शेरपा पीपल जो एक तरह का गाइड होते थे फॉर माउंटेनियर्स इन हिमालयस, ठीक है, तो एक तरह से ये इंडिया का एक गाइड होंगे जो हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन द इंटरनेशनल समिट, ठीक है। ये एंगेज होंगे इन प्लानिंग, नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टास्क थ्रू द समिट। देर इज ओनली 1 शेरपा पर समिट फॉर ईच मेंबर कंट्री जिसको असिस्ट किया जाता है बाय सेवरल शेरपास। फाइन, नेक्स्ट है स्टार्स प्रोजेक्ट, दैट इज अ स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट प्रोजेक्ट। इसका मीन कि हमें अपनी स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी और गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है 6 स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें स्टेट्स को सपोर्ट मिलता है सो दैट वो अपने एजुकेशन आउटकम्स को इम्प्रूव कर सके और लेबर मार्केट आउटकम्स को भी। दो मेजर कंपोनेंट इसके नेशनल लेवल पे ये है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ लर्निंग असेसमेंट सिस्टम और एस्टेब्लिश करना है परख, मतलब कि असेसमेंट सेंटर जो आपको ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगा आपके इंस्टीट्यूट को। स्टेट लेवल पे है स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जैसे जो आपके प्राइमरी एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन करना, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, वोकेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। 173 सिटीज़ को रैंक करते हैं कि वहाँ की रहने की कंडीशंस कैसी है, 5 फैक्टर्स पे रैंक किया जाता है उस सिटी की स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है कल्चर, एनवायरमेंट और स्टेबिलिटी को। फाइंडिंग क्या है, दिल्ली को रैंक बेस्ट दिया गया है इंडिया में, ठीक है, फॉलोड बाय मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु, मोस्ट लिवेबल वैसे विनर। फाइन, नेक्स्ट है वर्स्ट है ना, एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसको यूज़ किया जाता है इन द क्वालिटेटिव रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड द सोशल एक्शन इन द सोसाइटी। इस टर्म को मतलब अगर हम जर्मन में देखें तो इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, जो पॉपुलर हुई थी मैक्स वेबर के द्वारा, ठीक है। अब वर्ट्सन क्या होता है, ये इट रिक्वायर्ड रिसर्चर्स टू प्लेस देमसेल्व इन द पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्व टू सी एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग बिहाइंड द पर्सन एक्शन। बस सिंपल बात किया, अगर आप कोई कुछ कर रहे हो आप वैसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ आपको पता है, लेकिन कोई और आपको ऑब्जर्व करे वो अपने हिसाब से सोचेगा ना कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेकिन वर्सन में क्या होता है, वो आपके हिसाब से सोचते हैं कि हाँ इस बंदे ने ऐसा क्यों किया होगा, वो आपके माइंड को पढ़ते हैं, ठीक है। एंड द मीनिंग्स अटैच टू द मोटिवेशन, पर्पस और आउटकम्स ऑफ देयर एक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज हर एक एक्शन हर के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्रूट, सेंटर डिसाइड किया कि वो ड्रैगन फ्रूट के कल्टिवेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है। ये ट्रॉपिकल फूड है जो कैक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है और सेंट्रल अमेरिका से वैसे बिलोंग करता है। इसको इंडिया में कामालाम भी बोलते हैं या फिर साइंटिफिकली नाम इसका ये है। गुड है डायबिटिक पेशेंट के लिए, कैलोरीज में कम होता है, ठीक है। इसको वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए होता फॉर इट्स कल्टिवेशन, ड्राई लैंड पे उग सकता है। कहाँ का उगता है, मेनली कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कंसीडरिंग क्योंकि इस तरह, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से, इस वजह से कल्टिवेशन इंक्रीज करेंगे 50,000 हेक्टर तक, जो भी 3,000 हेक्टर है अगले 5 साल में। नेक्स्ट है डेरेचो, कुछ USA में सेवरल स्टेट्स हैं, दे वर हिट बाय अ स्टॉर्म सिस्टम दैट टर्नड स्काईज ग्रीन, जिसकी वजह से स्काईज हैं वो ग्रीन हो गए। ग्रीन कलर क्यों हुआ, ड्यू टू द लाइट इंटरेक्टिंग विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय सच सिस्टम।
डेरा को एक वाइड स्प्रेड लॉन्ग लिफ्ट स्ट्रेट लाइन विंड स्टॉर्म होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द बैंड ऑफ रैपिडली मूविंग शावर्स ऑफ थंडर स्टॉर्म। स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म में जो थंडर स्टॉर्म विंड्स होती हैं उनके कोई रोटेशन नहीं होती, ठीक है। किस स्टॉर्म को क्लासीफाई करता है डेरा जो, जब उसकी जो विंड है उसकी जो स्पीड है वो सिर्फ 93 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। ये एक वार्म वादर फिनोमिना है, ये समर टाइम में ही होता है। मतलब क्या होता है, इसमें जो स्काई होता है आसमान होता है मतलब ग्रीन पड़ जाता है। आदित्य L1 काफ़ी बार पढ़ाई है, आदित्य L1 मिशन इंडिया का फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट मिशन है टू स्टडी द सन, ठीक है। और इसको इंसर्ट किया जाएगा इनटू हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट वो होता है जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है दो लार्ज मैसेस का, वो इक्वल होता है सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा, ठीक है। आदित्य L1 से हम सन की कुछ डायनेमिकल प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या सोलर फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उन सबको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई है बाय आदित्य L1 साइंस पोर्ट सेल, जिसके अंदर कुछ हम साइंटिफिक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है गीगामेश। गीगामेश एक इनोवेटिव वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन है जो कि एक फाइबर लाइक बैंड विथ इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू सबअर्बन एंड रूरल एरिया। मतलब है कि एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा सबअर्बन या रूरल एरियाज में। इसके अंदर क्या है, कुछ 4G की वजह से जो भी इश्यूज आते हैं उसको एड्रेस करेगा और हाईटेक और अफोर्डेबल प्राइस में आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। डेवलप किया गया एस्ट्रोम के द्वारा जो कि एक डीप टेक स्टार्टअप है। एस्ट्रोम सपोर्ट किया जाता है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, जो एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। नेक्स्ट है ऑनकोलेटिक वीरोथेरेपी। इट इज़ अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग एंटी कैंसर ट्रीटमेंट इन रिसेंट ईयर, जिन्होंने वायरस को यूज़ किया ऑनकोलेटिक वायरस। ये जो ऑनकोलेटिक वायरस है वो रेप्लिकेट करता है और ट्यूमर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, कैंसर सेल्स को मार देता है वाई लिविंग नियर बाय हेल्थी सेल्स एंड टिश्यू इंटैक्ट, और जो हेल्थी सेल्स हैं उनको जिंदा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईओ सेंसर सॉफ्टवेयर। ये क्या, अभी एक 305 मिलियन ईयर ओल्ड फोसिल है जिसको आइडेंटिफाई किया गया न्यू मैक्सिको। इट बिलोंग टू द वेरन पेटो जो कि एक्सटिंक्ट फैमिली रेप्टाइल्स की जो लिजार्ड्स की तरह दिखती हैं। इट इज़ आइडेंटिफाई एज ओल्डेस्ट ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल ऑन रिकॉर्ड, फाइन। तो 8 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।